हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग केमिकल कैंडिडिक्स केमिकल कैंडेडिक्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी उनके करेक्टरिस्टिक्स भी हमने बता दी थी चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं यहीं पर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन तो फर हमने फर्स्ट ऑर्डर क्या पढ़ा था वो वो फर्स्ट ऑर्डर डिके था डिके मतलब घटना डिकम्पोजिशन अभी ग्रोथ जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ तो लिखो हैडिंग फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन जैसे कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ होता है तो उनके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया डबल होता है डबलिंग होती है मतलब वन बैक्टीरिया आफ्टर बींग डेड इट जनरेट्स टू बैक्टीरिया तो ऐसे केसेस में दिस इज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल ग्रोथ तो बैक्टीरियल ग्रोथ में ये हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो ए कन्वर्टेड टू टू ए देखो ये ए बैक्टीरिया है और ये ग्रो uh, कर रहा है विद द टाइम इट इज डबलिंग वन बैक्टीरिया इज कन्वर्टिंग इनटू टू तो दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड के इज द रेट कांस्टेंट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो ऐसे केस में मान लो टी इज इक्वल टू जीरो कंसेंट्रेशन ए माइन ए हुआ यहाँ जीरो और टी टाइम बाद अगर इसमें से कुछ एक्स खर्च हुआ है तो ऑब्वियसली कितना बना होगा टू एक्स तो इसका मतलब एक्स प्लस वो टू एक्स भी तो है ऑल टुगेदर कितना ए प्लस एक्स तो जरा ध्यान दो इस बार ए टी इज ग्रेटर देन नॉट तो ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना हम इट इज नॉट डिके इट इज नॉट डिकम्पोजिशन। दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ तो एक ग्रोथ हो रही है तो यहां पर जिस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो यहां पर क्या बोलेंगे डी ए टी अपॉन डी टी बताओ ये क्या है चलो भाई बच्चों बताओ ये क्या है वॉट इज इट डी ए टी अपन इज वॉट रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ए नहीं इट इज नॉट रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ ए इट इज नेट रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ ए क्यों क्योंकि ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में disappear भी हो रहा है और ये वाला जो ए है वो एपियर uh, भी हो रहा है तो ए ये वाला हुआ और प्रोडक्ट वाला ए एपियर हुआ है तो इसका मतलब अपियरेंस का ए का रेट ज्यादा है देन कंपेयर टू डिस क्योंकि ए का रेट कांस्टेंट 1k के है और इस वाले ए का रेट कांस्टेंट 2k के है ये हम पढ़ भी चुके हैं स्टाइक्योमेट्रिक ऑफिशंट का जो रोल होता है यहां पर तो इसे क्या बोलेंगे हम नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और अपियरेंस ऑफ ए सो दिस इज द नेट रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ ए तो ये किसके बराबर होगा आप क्या बोलोगे नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है क्योंकि नेट फॉर्म हो रहा है ग्रो कर रहा है तो बोलोगे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इसका मतलब क्या हुआ जरा यहां हो तो क्या बोलोगे डी ए टी

ये वन के समझ गए यहां स्टाइकोमेट्रिक ऑविशन वन है तो इस वाले का ए का रेट कॉन्स्टेंट कितना होगा इस वाले का जिसमें नेहरो लगाया है, वन के और इस इस प्रोडक्ट वाले ए का कितना लिया था अभी अभी हमने टू के तो वन के इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेंट इज दिस नाउ एक्सप्रेशन कैन बी फाउंड आउट तो बस यहां से सॉल्व करोगे तो डी ए टी अपॉन डी टी वुड बी इक्वल टू के ए बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो ये डिफरेंशियल रेट लॉ था अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो डी ए अपॉन ए को एक तरफ ले आओ होमोजीनियस इक्वेशन में ये तो K, के सेम टाइप के वेरिएबल्स एक तरफ ले आओ तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो से टी ए से लेकर के ए तक तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल तो आप जानते हो कितना है एल एन तो एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के टी यहां से अगर के की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वन अपॉन टी एल एन ए टी अपॉन ए नॉट दैट्स इट दिस इज द एक्सप्रेशन अच्छा इस बार देना ये वैसे से तो लग रहा है जैसे डी के में था नहीं वैसे सा तो है ही बट इस बार ए नॉट ऊपर नहीं है इस बार ए टी ऊपर है ये ध्यान दें इसे यूं भी बोल सकते हो अभी अभी हमने कहा भी था कि वन अपॉइन टी एल एन

तो कई बार जैसे दूध से दही जमता है तो वहाँ भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है आप जानते हो दैट ग्रोज और उसके लिए भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन स्पेसिफाइज अबाउट इट तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ रिएक्शन उसके बाद एक दो पॉइंट्स एज ए नोट करके और लिखेंगे जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन ए हो ऑफ रिएक्टेंट ए है और मान लो एक हाफ लाइफ के बाद कितना बच्चा ए बाई टू इन द फर्स्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर तो फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग फ्टर एक्स हाफ लाइव इज इक्वल टू ए था अब जरा देखना एक हाफ लाइफ बाद कितना बचा ए बाई टू दो हाफ लाइफ के बाद ए बाई फोर मतलब टू स्क्वायर एक्सल हाफ लाइफ के बाद कितना टू की पार एक्स अंडरस्टूड सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट यह बची हुई कंसेंट्रेशन है यह बची हुई कंसेंट्रेशन है ऑफ द रियक्टेंट आफ्टर एक्स हाफ लाइव तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो डायरेक्टली चार हाफ लाइफ के बाद कितना बचा होगा की पावर मतलब इतना बचा हुआ होगा होगा तो कितना खर्च हो गया इनिशियल वैल्यू में से घटा दो तो कितनी स्पेंट टू की पावर एक्स आफ्टर एक्स हाफ लाइफ तो क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो वी कैन डू क्वेश्चन लाइक दिस अच्छा एक बड़ा बढ़िया टर्म यूज होता है जैसे टी हाफ इसका सिंबल क्या यूज कर देते हैं हम हाफ लाइफ हाफ लाइफ दट इज हाफ ऑफ द रियक्टेंट इज रिएक्टेड इन दिसम पीरियड हाफ ऑफ द रिए रिएक्टेड ये मतलब निकला इसका कभी कभी यह सिंबल इस तरीके से फॉलो करते हैं जैसे टी वन बाई फोर क्या मतलब हुआ वन फोर्थ रिएक्टेड टाइम इन विच वन फोर्थ रिएक्टेड तो फिर कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है थ्री फोर्थ ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेनिंग आई बात समझ में जैसे टी वन uh, टेंथ है क्या मतलब निकला इसका टी वन टेंथ का दैट वन टेंथ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड वन टेंथ ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड एंड कितना बचा हुआ है नाइन टेंथ ऑफ द इनिशियल वैल्यूज रिमेनिंग नाइन टेंथ ऑफ इनिशियल वैल्यू इज रिमेनिंग सो लाइक दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व लेट्स टेक वन आर टू सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो जैसे मान लो क्वेश्चन ये कह दें फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट मान लो इस टाइप की कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फाइंड फर्स्ट टी हाफ अपॉन टी थ्री बाई फोर सेकेंड टी सेवन बाई एट अपॉन टी वन बाई फोर करो फाइंड आउट ये तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं और uh, देखो कैसे फाइंड आउट करें इजी क्वेश्चन से अब पहला पार्ट देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो टी हाफ अपॉन टी थ्री बाई फोर टी हाफ का तो फॉर्मूला ही होता है कितना एल एन टू अपॉन कितना के uh, और टी थ्री बाई फोर का फॉर्मूला वो तो लगा लो फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक फार्मूला तो मालूम ही है ना वन अपॉन के एल एन ए नॉट अपॉन थ्री फोर्थ का मतलब थ्री फोर्थ खर्च हो गया तो फिर हुआ कितना है अभी एटी 80 इज वॉट वन फोर्थ तो वन फोर्थ ऑफ वैल्यू दैट इज ए नॉट तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आंसर हुआ समझ गया किस तरीके से सॉल्व करना था ऐसी सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लो क्या है सेकेंड पार्ट टी सेवन एट्थ अपॉन टी वन फोर्थ लगाओ फॉर्मूला वन अपॉन के एल एन इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन सेवन एथ मीन द इनिशियल इज स्टिल रिमेनिंग अपॉन टी वन फोर्थ तो वन बाई के एल एन वॉट ए नॉट अपॉन वन फोर्थ इज रिएक्टेड तो बचा कितना है अभी थ्री फोर्थ तो थ्री फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू सो लाइक दैट दिस कैंसिल्स आउट दिस कैंसिल्स आउट के भी कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया एल एन एट अपॉन एल एन फोर अपॉन थ्री एलेन को लॉग में कन्वर्ट कर लो तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री का फैक्टर आ गया बाकी लॉग एट लॉग एट को लिख दो टू की पार्ट थ्री तो थ्री लॉग टू अपॉन यहां भी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री और यहाँ ब्रैकेट में ले लो लॉक फोर माइनस लॉक तो टू लॉक टू माइनस लॉक थ्री कर लो सॉल्व ये तो सब आसान सी चीजें होती हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया थ्री लॉक टू मतलब थ्री इन पॉइंट थ्री ले लो चलो कोई बात नहीं अपॉन टू लॉक टू पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंट फोर एट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ले ली तो पॉइंट सिक्स अपॉन पॉइंट वन टू यही तो हुआ बारह पांच फाइव 5 that's it this is the answer so like that questions can be solved if asked और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर लेट us टेक जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिया जाए कि हाफ लाइफ ऑफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर कुछ मेंशन ना हो तो सिंपल वाली रिएक्शन एज्यूम करनी है आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट ए इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट्स तो हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टेन मिनट्स मान लो ऐसे दिया है फाइंड टाइम इन विच 99.9 परसेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड आपको बताना है कि 99.9 नाइन पॉइंट परसेंट रिएक्टेंट खर्च होने में लगने वाला समय कितना होगा तो सॉल्व कर लो ये भी एक आसान क्वेश्चन है तो कैसे जरा ध्यान दो नाइन्टी परसेंट तो आप फॉर्मूला लगा लो टी इज इक्वल टू वन अपॉन के एलेन ए नॉट ए नॉट इज इक्वल टू द हंड्रेड परसेंट इनिशियली अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स वेर एक्स इज वॉट एक्स इज परसेंटेज़ ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड कितने परसेंट रिएक्ट हो चुका है तो बची हुई अमाउंट कितनी होगी 100 माइनस एक्स परसेंट क्योंकि 100 इज नथिंग बट इक्वल टू द ए नॉट इनिशियल वैल्यू तो वन अपॉन के अच्छा के को क्या लिख दो एल एन टू अपॉन हाफ लाइफ और हाफ लाइफ है दस मिनट एल एन वन हंड्रेड अपॉन 100 माइनस एक्स परसेंट तो 99.9 परसेंट हो गया तो ये कितना पॉइंट वन परसेंट ही तो बचा तो क्या हो गया 10 अपॉन एल एन टू एल एन टू को लॉग में ले लो तो 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू टू इंटू लॉग ऑफ वन थाउजेंड इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री वो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एक और आएगा ये कैंसिल आउट हो गया तो बस आंसर क्या बोल दोगे टेन इंटर लॉक थाउजेंड की वैल्यू थ्री अपॉन पॉइंट थ्री ले लो इसको तो कितना हो गया हंड्रेड मिनट्स दैट्स इट यही आंसर हो गया वन हंड्रेड सौ नहीं जी, दस नहीं सौ सौ मिनट दैट्स इट दिस इज द आंसर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहे हैं हम वैसे तो जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो होता है बट क्वेश्चन कुछ ना दे तो हम पॉइंट थ्री लेकर के अप्रोक्सीमेट आंसर वी कैन फाइंड आउट तो ये थे छोटे छोटे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद में चलिए बात करते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की तो हेड ही लिखो अब अब बिल्कुल टिपिकल है बिल्कुल सिमिलर तरीके से चीजें चलेंगी तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स अब मैं थोड़ा तेजी से ले लूंगा अब इसमें भी हमें दो केसेस स्टडी करेंगे दो केसेस कौन से एक सिंगल रिएक्टेंट वाला और एक टू रिएक्टेंट्स वाला ऐसा क्यों बताएंगे ऐसा क्यों वो बाद में आएगा अभी पहले केस वन लेते हैं एक्चुअली हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे सीडो ऑर्डर काइनेटिक्स, सीडो ऑर्डर रिएक्शन उसके लिए हमें केस टू चाहिए इसलिए हम यहां ले रहे हैं तो केस वन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वेन सिंगल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट के इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएशन एंड यू विल से दैट माइनस डी ए अपिटी दैट मीन रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी इक्वल टू कंसनट्रेशन के इन टू की पार टू सेकेंड ऑर्डर है ना तो सेकेंड ऑर्डर के लिए वी विल राइट लाइक दिस बाकी तरीका आपको मालूम ही है कि माइनस डी ए टी अपॉन ए टी का इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट कर दो ए नॉट से लेके ए टी तक बाकी तो आपको पता ही है कैसे इंटीग्रेट करते हो आप वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस वन अपॉन एक्स तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो वन अपॉन ए टी और लिमिट लग गई यहां पर ए नॉट से लेके ए टी तक एंड विल बी इक्वल टू के टी तो यहां से एक्सप्रेशन आ गया वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए नॉट तो उसको लिख दो वन अपॉन ए नॉट प्लस के टी सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फॉर द टाइप ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट तो कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेटेड इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ यहां से हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करो तो वी कैन कैलकुलेट तो हाफ लाइफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर लाइक दिस तो वेन टी इज इक्वल टू टी हाफ तो ऑब्वियसली ए टी बिकम्स इक्वल टू वॉट ए नॉट अपॉन टू पुट द वैल्यू तो कितना हो गया वन अपॉन ए नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट प्लस के इन टू टी हाफ तो टी हाफ की वैल्यू जब इसको इधर लेके आओगे तो ये टू तो वन अपॉन तो ये वैल्यू ऐसी आ गई वन अपॉन के ए नॉट ये आया हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और यहां से दिखता भी है कि हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रियक्टेंड ये दिखता भी है दिस इज यूजफुल अच्छा ये बात हम बात नहीं पढ़ेंगे अगर आप जीरो ऑर्डर को देखो फर्स्ट ऑर्डर को देखो सेकेंड ऑर्डर को देखो तो यू विल फाइंड हाफ लाइफ फॉर द एन एथ ऑर्डर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन टू द पार एन माइनस वन ये जनरल है इन जनरल फॉर एन एथ ऑर्डर रिएक्शन देख लो आप अप्लाई करके टू ही रख लो वैल्यू एन की वैल्यू टू तो टू माइनस वन तो कितना हो गया uh, मान लो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो टू माइनस वन का मतलब वन हो गया तो वन अप ए के प्रोपोर्शनल वो दिख रहा है यहां पर वन अपऑन ए नॉट के यू से so like तो इस तरीके से आप ये कहते हो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन टॉक अबाउट तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑफ सिंपल टाइप ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स इस टाइप का अब तो वो बस ग्रेजुअल uh, सिंपल से पॉइंट्स हैं कि uh, ये भी कंप्लीट नहीं होती नॉट कंप्लीटेड इन द डेफिनेट टाइम पीरियड डेफिनेट टाइम पीरियड में तो एक ही रिएक्शन कंप्लीट होती थी और वो कौन सी जीरो ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर एनी ऑर्डर एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर नेवर कंप्लीट्स इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इनफाइनाइट फाइनाइट यहां भी इनफाइनाइट है और हाफ लाइफ यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ्स सेकेंड ऑर्डर के तो ग्राफ तो इक्वेशन देखो यहां पर बन जाएगा इस टाइप से इक्वेशन है कि वन अपॉन ए टाइम के साथ अगर देखें तो क्या इक्वेशन थी वन अपॉन ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट प्लस के टी तो वन अपॉन ए टी विल बी द स्ट्रेट लाइन विद टाइम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समझ मार सबके बाद एंड स्लोप इज इक्वल टू वॉट के के बराबर तो इट विल बी लाइक दिस पॉजिटिव स्लोप के साथ ये स्ट्रेट लाइन एंड दिस इंटरसेप्ट इज नथिंग बट अपॉन नॉट एंड स्लोप इज इक्वल टू के लाइक दैट यू से अच्छा हाफ लाइफ ऑब्वियसली हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इनिशियल कंसेंट्रेशन के टर्म्स में देखें तो अभी अभी देखा था कि हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर में किसके बराबर थी वन अपॉन के ए नॉट तो ये तो ऐसा हो गया जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इस टाइप से क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा लोगे इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ उतनी कम होगी एंड वाई से worse. तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया यहां से साफ दिखता है कि अगर इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा लोगे हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड यूजफुल पॉइंट अंडरस्टूड द पॉइंट सो लाइक दैट यू कैन से सो दिस इज हाउ कुड बी मेड तो ये तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स थे अच्छा ग्राफ की एक, इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन देखो वन अपॉन एटी जो है वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड अगर टी सेम रख लें दस मिनट दस मिनट दस मिनट वन अप ऑन ए टी नॉट या वन अपन ए नॉट वन अपन एन वन अपन ए ट्वेंटी दे फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो इसका मतलब ए नॉट ए टेन ए ट्वेंटी ए थर्टी दे विल फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो लिख सकते हो इस पॉइंट को लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड फॉर्म एन एचपी हारमोनिक प्रोग्रेशन अब आप खुद देख लेना समझ गए बात आप तो कॉन्सेंट्रेशन रियक्टेंट रिमीनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड फॉर्म एन एचपी हारमोनिक प्रोग्रेशन तो ये कुछ जनरल पॉइंट थे जनरल ग्राफ थे तो इस तरीके से आप कहते हो सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का एक केस और बाकी है जिससे हम डिफाइन करेंगे स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दैट्स इट फॉर नाउ